आज हम समझेंगे पास बाई वैल्यू वर्सेस पास बाई रेफरेंस। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक फंक्शन बना रहा हूँ जो कि दो वैल्यू का सम करके तीसरे वेरिएबल में रखता है, सम डेटा नाम का फंक्शन, या सॉरी सम बाय वैल्यू। इसको मैं तीन वैल्यू पास करूँ, इंटीजर ए, इंटीजर बी, इंटीजर सी। ये क्या करेगा कि सी वेरिएबल में दोनों का सम रख देगा, सी इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, बस इतना करने वाला है। ठीक है, अब इसको मैं रन करता हूँ यहाँ से, यहाँ पर लिखता हूँ मैं इंटीजर एक्स इक्वल टू जीरो सॉरी सेवन। अभी मैं एक्स ले लेता हूँ, इंटीजर वाई इक्वल टू एट एंड इंटीजर जेड इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब मैंने सम करके, सम बाई वैल्यू करके फंक्शन को चलाया, तो सम बाई फंक्शन, सम बाई वैल्यू फंक्शन क्या कर रहा है कि अब इसको मैं इनपुट में एक्स वाई और जेड पास करूंगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि x की जो वैल्यू है 7 वो कॉपी होके a में स्टोर हो जाएगी और y की जो वैल्यू है वो कॉपी होके b में स्टोर हो जाएगी, z की वैल्यू जो है कॉपी होके c में स्टोर हो जाएगी। तो मैं एक प्रिंट भी लगा रहा हूँ कि प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ कि वहाँ पर क्या पहुँची वैल्यूज, परसेंट d a के अंदर क्या पहुँचा और b के अंदर क्या पहुँचा और सी के अंदर क्या पहुंचा। कि प्यास क्या पास किया था तो क्या पहुंचा यहाँ। ठीक है, तो इसको मैं रन कर रहा हूँ अभी, इसको रन करके हम देख लेते हैं। तो सी कर दिया हमने, तो 7 और 8 पहुंचा यहाँ पर, है ना। और मैं डी से प्रिंट करता हूँ उसको, परसेंट सी की जगह परसेंट डी से प्रिंट करना पड़ेगा सी। तो ये 0 था, परसेंट सी के अंदर 0 पहुँचा। अब हमने ए और बी को जोड़ के किसके अंदर रख लिया, सी के। तो हमें ऐसा लग रहा है कि सी में अपडेट हो गया, सी में डेटा आ गया। सी को तो मैं प्रिंट करके देख सकता हूँ, लेकिन क्या वो डेटा जेड में अपडेट हुआ? तो हमें ऐसा लग रहा है कि डेटा जेड में अपडेट हो गया। तो मैं यहाँ पर इसके बाद Z को प्रिंट करके देखता हूँ, यहाँ पर मेन में। क्या वो Z में आंसर आया है? तो Z में तो अभी भी 0 ही है ना। तो ऐसा हुआ कि यहाँ से Z की जो मेमोरी है वो अलग है मेमोरी है, एक्स वाई जेड की जो मेमोरी है वो मेन फंक्शन को बिलोंग करती है, और ए बी सी की जो मेमोरी है वो सम सम बाय वैल्यू फंक्शन को बिलोंग करती है। तो जब हम यहाँ से वेरिएबल पास करते हैं तो वेरिएबल की वैल्यूज पास होती है, वेरिएबल का एड्रेस पास नहीं होता, वेरिएबल की मेमोरी पास नहीं होती, उनकी वैल्यूज कॉपी हो जाती है और कॉपी होकर नए वेरिएबल में रख जाती है। इसलिए जो सी वेरिएबल है, सी वेरिएबल और जेड वेरिएबल को अलग अलग मेमोरी मिली हुई है। जेड वेरिएबल को मेन फंक्शन की मेमोरी में मेमोरी मिली है और सी वेरिएबल को सम बाय वैल्यू फंक्शन के मेमोरी में मेमोरी मिली हुई है। तो ये ध्यान रखना कि सी और जेड अलग अलग वेरिएबल है, इसलिए जब हम पास करते हैं तो वो वैल्यू आपको मेन फंक्शन में नहीं दिखती। ठीक है, अब हम ऐसा क्या करें कि मेन फंक्शन के वेरिएबल में वैल्यू आ जाए, ऐसा क्या करें कि सम बाय वैल्यू जो फंक्शन है वो जो भी डेटा कैलकुलेट करे वो मेन फंक्शन को पहुंचे बिना रिटर्न किए। ठीक है, तो उसके लिए मैं सम बाय वैल्यू को नए सिरे से बना रहा हूँ, ध्यान से समझना। मैं यहाँ लिख रहा हूँ इंटीजर सम बाय रेफरेंस। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा इंटीजर ए
इंटीजर बी एंड इंटीजर पॉइंटर सी। देखो पॉइंटर सी लिखा है, ठीक है। अब मैं यहां पर कोई एक इंटीजर आर करके वेरिएबल बना रहा हूं, ठीक है। उस आर वेरिएबल में मैंने जीरो रखा, आर इक्वल टू ए प्लस बी किया। अब ये आर वेरिएबल जो है ये किस किस फंक्शन के अंदर बना है, सम बाय रेफरेंस में, है ना, समझ में आया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जब सम बाय रेफरेंस को कॉल करूंगा तो देखना मैं कैसे कॉल करूंगा। जब मैं सम बाय रेफरेंस को कॉल करूंगा तो मैं लिखूंगा सम बाय रेफरेंस, एक की जगह मैंने एक्स पास कर दिया, बी की जगह वाई पास कर दिया और पॉइंटर सी की जगह मैंने एड्रेस ऑफ जेड पास कर दिया, ठीक है, जेड का एड्रेस दिया। अब Z का एड्रेस किसके अंदर आ जाएगा, C के अंदर आ जाएगा। तो C में उस मेमोरी का एड्रेस आ गया जो मेमोरी किसके लिए बनाई थी, Z के लिए बनाई थी। और किसी मेमोरी का अगर एड्रेस आपके पास हो तो उस एड्रेस पे डेटा डालना हो तो आप वैल्यू एट ऑपरेटर का यूज करेंगे और फिर उसमें वैल्यू डालेंगे। तो आप सी में वैल्यू नहीं डालेंगे क्योंकि सी में तो एड्रेस रखा हुआ है। आप सी की जो मेमोरी है उसके बारे में पता करेंगे किसकी मेमोरी कहाँ पर है, एड्रेस कहाँ पर है, उस एड्रेस पे वैल्यू डालने के लिए आप वैल्यू एट सी इक्वल टू ऐसा लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसा करने से उस सी में जिसका भी एड्रेस है उस एड्रेस पे किसकी वैल्यू सेट हो जाएगी, आर की वैल्यू सेट हो जाएगी। अब आप सम अगर प्रिंट करते हैं, अब अगर आप सम प्रिंट करते हैं तो आपको सम जेड में मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको रन करके दिखा रहा हूं आपको, क्योंकि सॉरी इंटीजर रिटर्न टाइप है, इंटीजर की जगह इसको रिटर्न टाइप क्या कर रहा हूं मैं, वॉइड। क्यों, क्योंकि मैं रिटर्न कुछ नहीं कर रहा हूं, है ना, मैं सीधा मेमोरी में रख रहा हूं। तो 15 सम आ गया, क्यों, क्योंकि अब मैंने इस फंक्शन को एड्रेस दे दिया था जेड का और इस फंक्शन ने उस z के एड्रेस पे एक वैल्यू रख दी और वो z वेरिएबल मेन फंक्शन में बना था इसलिए मेन फंक्शन की मेमोरी में अपडेट हो गया, ठीक है। इसका मतलब एक फंक्शन में बनाए हुए वेरिएबल को जब आप दूसरे फंक्शन में एज इट इज पास करना चाहते हो, विथ मेमोरी पास करना चाहते हो, तो उसका एड्रेस पास करना पड़ेगा। तो जब हम एड्रेस पास करते हैं ना कि वैल्यू पास करते हैं तब इसे हम पास बाय रेफरेंस बोलते हैं, और जब डायरेक्ट पास करते हैं तो पास बाय वैल्यू बोलते हैं। समझ में आएगा डिफरेंस, है ना। अब मैं इसी के लिए एक और फंक्शन बनाता हूं, एक ऐसा फंक्शन बनाता हूं जो दो वेरिएबल की वैल्यू को स्वैप कर देगा, मतलब एक्सचेंज कर देगा। तो एक फंक्शन और बनाया मैंने void exchange, एक्सचेंज वैल्यू ऑफ a इंटू बी, ए और b की वैल्यू को एक्सचेंज कर देगा, ठीक है। तो एक्सचेंज करने के लिए एक टी वेरिएबल टेम्प्रेरी वेरिएबल बनाऊंगा मैं, मैंने यहां लिखा t इक्वल टू a, a इक्वल टू b, b इक्वल टू t, ठीक है। अब यहां तो मैं प्रिंट कर देता हूं, न्यू ए परसेंट डी, न्यू बी परसेंट डी, नई वैल्यू क्या है वो मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैं फंक्शन के अंदर करता हूँ, इस फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ यहाँ से एक्सचेंज नाम के फंक्शन, और मैं एक्स और वाई पास कर देता हूँ, ठीक है। तो जो x है उसमें 7 है, y में 8 है, एक्सचेंज होने के बाद 8 और 7 प्रिंट होना चाहिए। तो मैं यहां प्रिंट कर रहा हूं न्यू x न्यू y,
ठीक है। तो अब ये मैंने जैसे एक्स और वाई यहां से पास किया तो ये बाई डिफॉल्ट पास बाय वैल्यू है। जब ये पास बाय वैल्यू तो इन एक्स और वाई की वैल्यू कॉपी हो जाएगी और कॉपी होकर किसमें स्टोर हो जाएगी, ए और बी में। तो ये जो एक्सचेंज हो रहा है वो सिर्फ ए और बी में होगा, एक्स वाई में नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं रन कर आपको मैं रन करके दिखाता हूँ, तो मैं यहाँ पर सॉरी मैं प्रिंट तो करूँ इसको, ए कॉमा बी है ना। हाँ एक्स वाई की नहीं होगी, क्यों? क्योंकि मैंने एक्स वाई का एड्रेस थोड़ी पास किया, मैंने एक्स वाई की वैल्यू पास की। तो वैल्यू तो यहाँ पर आ गई, एक्स वाई वेरिएबल खुद नहीं आए यहाँ पर, उनकी सिर्फ वैल्यू आ गई यहाँ पर। मतलब अपन ने क्या किया, एक बर्तन में से सामान निकाला और दूसरे बर्तन में डाल दिया है ना। एक हमारे ग्लास में मिल्क था, हमने दूसरे ग्लास में उसको खाली कर दिया। तो जो एक्स में रखा था उसको किस में डाल दिया हमने, ए में डाल दिया, और वाई को बी में डाल दिया। तो जो एक्सचेंज हो रहा है वो ए और बी में हो रहा है, एक्स और वाई में एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो देखो आप, ए और बी में तो एक्सचेंज हो गया, लेकिन एक्स और वाई वैसे के वैसे ही आ गए। तो अब हम चाहते हैं कि नहीं, एक्स वाई में भी चेंज हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस फंक्शन को मैं दोबारा बना रहा हूँ, और इस फंक्शन का नाम रखूँगा मैं void exchange by reference, ठीक है। और मैं इंटीजर को इंटीजर की जगह इंटीजर पॉइंटर ए रखूँगा, मतलब ये एड्रेस हो जाएगा है ना। तो मैं इसको ptr1 कर देता हूँ और इंटीजर ptr2 कर देता हूँ है ना। ptr मतलब पॉइंटर एड्रेस, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब ये एड्रेसेस हैं, ये वैल्यू नहीं है, क्या ये एड्रेस है। अब इसको कॉल कैसे करेंगे, तो जब इसको कॉल करेंगे अपन, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्सचेंज बाय रेफरेंस, और हम पास करेंगे एड्रेस ऑफ एक्स एंड एड्रेस ऑफ वाई। तो ये पास बाय वैल्यू की जगह ये क्या हो जाएगा, पास बाय रेफरेंस, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं प्रिंट करके देखूंगा उनको। तो मैंने मैंने क्या किया कि फंक्शन जो बनाया है, फंक्शन को एड्रेस पास कर दिए। ये एड्रेस यहां पर आए, ptr1 और ptr2 में एड्रेस आ गए। अब मैं एक इंटीजर t इक्वल टू जीरो बना लेता हूं, t में मैं रखूंगा वो वैल्यू जो ptr में रखी है, पर ptr में तो एड्रेस रखा है। तो एड्रेस से वैल्यू निकालना हो, अगर आपको एड्रेस पर रखी वैल्यू निकालना हो, तो उसके लिए आप क्या लगाते हो, स्टार, ठीक है। तो ये उस एड्रेस पर रखी वैल्यू टी में आ गई। अब टी में रखी हुई वैल्यू दूसरे एड्रेस पर जानी चाहिए, पीटीआर टू पे। तो वैल्यू एट पीटीआर टू, यानी पीटीआर टू में जिसका एड्रेस रखा है उस पर वैल्यू डालना है, तो आप पीटीआर वन से सॉरी पीटीआर वन से निकाल के पीटीआर टू पे डाल लो है ना। पीटीआर वन से निकाल के पीटीआर टू से निकाल के आप पीटीआर वन पे डाल लो। तो वैल्यू एड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आप वैल्यू एक्सचेंज कर रहे हो है ना। और अब ptr2 खाली हो गया, तो ptr2 के एड्रेस पे वैल्यू डालना है, तो वैल्यू एट ptr2 इक्वल टू टी, ठीक है ना। तो हमने एड्रेस के थ्रू जिस जगह गए और वहां जाके वैल्यू बदल दी, और एड्रेस हमने किसका भेजा था यहां पर, x और y का, इसलिए x और y के एड्रेस पे डायरेक्ट चेंज हो गया। अब मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, एक्सचेंज बाय रेफरेंस करने के बाद क्या वैल्यू एक्सचेंज हो जाती है। हो गया, एक्स में एट आ गया, वाई में सेवन आ गया है ना। तो इस तरह से ये काम करता है। अब इसका फायदा मैं लेता हूं, एक एग्जांपल और लेते हैं हम। मान लेते हैं मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर तो पढ़ा ही था आपने, स्ट्रक्चर मैंने बनाया स्टूडेंट का। अब स्टूडेंट के स्ट्रक्चर में इंटीजर, रोल नंबर, और फ्लोट मार्क्स रखें,
सेमी कॉलन से स्ट्रक्चर बंद कर दिया। अब मैं चाहता हूँ इस एक स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट बनाऊँ मैं, इस स्ट्रक्चर की एक वेरिएबल बनाऊँ मैं, तो मैंने स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाया यहाँ पर स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस वन। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर यूज़र से डेटा लेना है, किससे डेटा लेना है, यूज़र से। तो अगर मेरे पास यूज़र से डेटा लेना है तो मुझे कोड लिखना पड़ेगा, और अगर मैंने एस वन एस टू एस थ्री करके तीन बना दिए मान लो, तो मुझे तीन बार कोड लिखना पड़ेगा स्टूडेंट में डेटा इनपुट लेने के लिए यूज़र से। तो मैं क्या करता हूँ, इसके बदले एक फंक्शन बना देता हूँ जो यूज़र से इनपुट लेगा। तो मैंने एक फंक्शन बना दिया void input student, ठीक है। और यहाँ पर मैं किस स्ट्रक्चर में इनपुट लेना उसका एड्रेस पास कर दूंगा, क्या कर दूंगा, एड्रेस, स्ट्रक्चर स्टूडेंट पॉइंटर एसटीयू पीटीआर, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, स्ट्रक्चर पास नहीं कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर का एड्रेस पास कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अब इस अगर इस इनपुट स्टूडेंट को अगर आपको कॉल करना है तो आप कैसे कॉल करेंगे, यहाँ पर आप इसको कॉल करते टाइम एड्रेस पास करेंगे, एड्रेस ऑफ एस वन, है ना, ठीक है। अगर आपको एस टू के लिए कॉल करना है तो एड्रेस ऑफ एस टू, अगर फिर से कॉल करना है तो एड्रेस ऑफ एस थ्री। तो सब सब सारे सबके लिए कॉल हो जाएगा, और जब भी कॉल होगा तो एड्रेस आ जाएगा, उस एड्रेस में इनपुट लेना है तो आप क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ एंटर रोल नंबर, रोल नंबर इनपुट में लेने के बाद लिया आप स्कैन एफ करेंगे परसेंट डी, और आपके पास एड्रेस ऑलरेडी है एस टू पी टी आर, तो आप एस टू पी टी आर लिखेंगे। और जब एड्रेस किसी किसी स्ट्रक्चर का एड्रेस हो तो डॉट नहीं लगाते, जब एड्रेस हो तो एरो लगाते हैं, हाँ जब एड्रेस हो तो एरो लगाते हैं, और जब स्ट्रक्चर का सिर्फ नाम हो तो डॉट लगाते हैं। अगर ये स्टार नहीं लगा होता, अगर ये स्टार नहीं लगा होता तो मैं डॉट लगाता, है ना, और अगर स्टार लगा है तो मैं एरो लगाऊंगा। इसी तरह से मैं एंटर करवाता हूं मार्क्स, और मार्क्स भी स्कैन एफ करा लेते हैं, मार्क्स फ्लोट टाइप है, और एस टू पी टी आर स्टूडेंट के स्ट्रक्चर का पॉइंटर एरो मार्क्स, ठीक है। हाँ, तो ये मैं रन करके आपको दिखाता हूँ, उसके बाद फिर हम एक डिस्प्ले भी करते हैं, मतलब प्रिंट भी करते हैं। तो प्रिंट करने के लिए फिर मैंने ऐसे फंक्शन बनाया जिसमें स्टूडेंट का स्ट्रक्चर मैं पास करूँगा, लेकिन मैं सिर्फ प्रिंट करूँगा उसको, है ना। तो उसका नाम रख दिया मैंने इनपुट स्टूडेंट की जगह डिस्प्ले स्टूडेंट, ठीक है। डिस्प्ले कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लिखा मैंने स्टूडेंट नेम, नेम इज सॉरी नेम इज रोल नंबर परसेंट डी, और मार्क्स परसेंट एफ, इस टू पी टी आर रोल नंबर कॉमा इस टू पी टी आर, ठीक है। तो इस डिस्प्ले स्टूडेंट को जब मैं कॉल करूँगा तो पहले तीन बार मैंने इनपुट ले लिए, अब तीन बार मैं डिस्प्ले कर दूंगा, डिस्प्ले स्टूडेंट एड्रेस ऑफ एस वन, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि मेरे मेन फंक्शन में मैं डेटा बना रहा हूँ और अलग अलग फंक्शन को पास करके उनमें इनपुट ले रहा हूँ और उनको डिस्प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर को भी आप पास बाय रेफरेंस से पास कर सकते हैं। अब जैसे उसने पूछा एंटर रोल नंबर, तो मैं रोल नंबर एंटर करता हूँ 101। यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं देख लेता हूँ क्या है। यहाँ मुझे एड्रेस देना पड़ेगा,
मार्क्स 45, फिर दूसरा पूछा 109, मार्क्स 78, फिर उसने पूछा 10, मैंने 2 करा, मार्क्स 46, फिर यही डेटा मैंने क्या किया, डिस्प्ले को पास कर दिया, तो डिस्प्ले इसी डेटा को डिस्प्ले कर देगा, कर दिया, है ना, इस तरह से। तो ये हमने बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया यहाँ पर, 101 मार्क्स 45, 102 मार्क्स 38, 103 मार्क्स 89, ठीक है। तो हमने देखा पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस। पास बाय रेफरेंस में हमें एड्रेसेस पास करने होते हैं जिससे हम मेन फंक्शन में बनाए हुए वेरिएबल किसी दूसरे फंक्शन में भी एक्सेस कर लेते हैं।